हाय, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल बहार। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा वीडियो देखते रहिए। और बेल का बटन आप ज़रूर दबाइए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। अभी देखते हैं इसमें क्या लगता है। ये मैंने शक्कर लिया है 1 कप का 1/4 भाग, उसका मैंने चाशनी बना लिया है जैसे गुलाब जामुन का बनाते हैं। और 1 बड़ा टेबल स्पून पिस्ता लिया है, 3 से 4 बूंद मैंने ऑरेंज कलर लिया है, 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने बादाम लिया है, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है। और 8 स्लाइस मैंने ब्रेड लिया है और 3 टेबलस्पून पिसा हुआ शक्कर लिया है मैंने। और 3 कप का 1/4 भाग मैंने खोआ लिया है 125 ग्राम। और ऑरेंज एसेंस लेंगे 2 से 3 बूंद और घी लेंगे फ्राई करने के लिए। देखते हम कैसे बनता है। सबसे पहले ये कटर लिया है मैंने हार्ट शेप में, ऐसे आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और ब्रेड लेंगे हम और इसको कट कर लेंगे एक हार्ट के शेप में। आप चाहिए तो गोला भी कट कर सकते हैं। ऐसे कट कर लेंगे हम सारे ब्रेड को और साइड में रख देंगे। और इसका जो ब्रेड जो बचा हुआ है इसका ब्रेड क्रम बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप कट कर लीजिए। ऐसे करके सारे ब्रेड हम कट कर लेंगे। ये मैंने सारे ब्रेड कट कर लिए हैं हार्ट के शेप में। अभी इसको हम घी में फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है तो घी हमारा गर्म हो रहा है, अभी हम फ्राई करते हैं। ये घी रख दिया मैंने, घी गर्म हो गया है, थोड़ा गर्म होने देते हैं और हम फ्राई करेंगे ब्रेड इसमें। अच्छा सा सुनहरा रंग आने देंगे, अच्छे से ब्राउन होने देंगे और फ्राई कर लेंगे इसे हम। इसमें हम डाल के फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। बाकी भी हम डाल लेंगे। गैस को एकदम गैस को मीडियम रखेंगे हम और फ्राई कर लेते हैं इसे। ओके, मैंने फ्राई कर लिया है और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं इसे। दोनों साइड से अच्छे से पलट के आप पका लीजिए ब्राउन होने तक। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल लिए हैं सारे दिल बाहर अच्छे से फ्राई करके। ये प्लेट में मैंने सेट कर लिया है, इन सबको निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर हम चाशनी ऐसे डालेंगे, इसे छिड़क देंगे चाशनी इसके ऊपर। ऐसे छिड़क दीजिए आप, चाशनी गिरा देंगे इसके ऊपर। थोड़े देर ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद इसको पलट लेंगे। दूसरे साइड में हम चाशनी इसके ऊपर छिड़क लेंगे। अभी इसको हम साइड में रख देंगे और एक सबसे पहले बाउल लेंगे और इसमें हम मावा डाल लेंगे। और मावा को मैंने भून लिया है और इसको ठंडा कर लिया है मैंने। थोड़ा सा आप कढ़ाई में मावा को डाल के भून लीजिए और उसके बाद इसे ठंडा करेंगे। मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अभी इसमें हम पिसा हुआ शक्कर 3 टेबलस्पून लिया मैंने और फूड कलर ऑरेंज कलर और थोड़ा सा इसमें हम एसेंस मिला लेंगे 2 से 3 बूंद और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
अच्छे से मिला लेंगे। इसको हाथों से अच्छे से मसल लेंगे, सब मिक्स कर लेंगे हम। मावा, शक्कर और ऑरेंज कलर एसेंस, इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। ये मैंने ब्रेड के दूसरे साइड पे दिलवार पे भी मैंने चाशनी लगा लिया है और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जितना हमने ब्रेड स्लाइस लिया था, जितना हमने दिलवार बनाया है, उतने भागों में इसको हम बांट लेंगे। चार हम लोग ने 8 पीस लिया था, 8 बनाएंगे हम इसका। ये मैंने 8 भागों में इसे बांट लिया है। ये मैंने सारे जो खोआ था उसको मैंने हार्ट का शेप बना दिया है। आप ऐसे ले लीजिए और ऐसे हाथों से थोड़ा सा आप प्रेस करके ऐसे थोड़ा हार्ट का शेप दे दीजिए। ऐसे करके हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। ऐसा थोड़ा शेप दे देंगे हम हार्ट का। ऐसा थोड़ा शेप दे देंगे, ऐसे बना लेंगे। ऐसे हम बना लेंगे। ये मैंने सारे बना लिए हैं। अभी क्या करेंगे, जो ये हमने हार्ट शेप में बनाया है उनको इसके ऊपर हम रख लेंगे दिल बाहर पे। आप ऐसे रख दीजिए। ऐसे सब पे हम रख लेंगे। ऐसे सेट कर लेते हैं सब पे। ये मैंने सारे दिल बाहर के ऊपर मावा सेट कर लिया है खोआ, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम, और इसको फिर हम ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे इसे। और थोड़ा ठंडा करके फिर सर्व करिए इसे। इसको हम ऐसे करके सारे सजा लेते हैं। ये मैंने सारा गार्निश कर लिया दिल बाहर, और इसको ठंडा करें और फिर सर्व करें। ये हमारा ब्रेड का दिल बाहर बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और बेल का बटन आप ज़रूर दबाइए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर से मिलेंगे नए रेसिपी के साथ में। बाय।